पता तुम मेरा क्या इयररिंग थोड़ी बहुत बहुत पसंद है, बहुत अफोर्डेबल था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का वीडियो होने वाला है माय ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी कलेक्शन, और यू कैन से कि मस्ट हैव ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी कलेक्शन, ज्वेलरी नॉट कलेक्शन। सो यहाँ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी जो मेरे पास है। बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ ही है, 5-7 होंगी। और अभी मैं आपके साथ अपना ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करूंगी ऑक्सीडाइज। सारी ज्वेलरीज जो है ऑक्सीडाइज ही है, इसमें बाकी ज्वेलरीज नहीं है। बाकी ज्वेलरीज का कलेक्शन भी जो आने वाला है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे इफ यू आर न्यू हियर। एंड या तो चलिए वीडियो शुरू करते। सो ये मेरे पास जो है सारी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी इतनी है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फैन नहीं हूँ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की। आई डोंट नो, मतलब मुझे अच्छी लगती है, पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। लाइक मैं हालांकि एक्सपेरिमेंट करने की उसमें हूँ कि हाँ मैं और भी ज्यादा ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज, जंग ज्वेलरीज थोड़ी ऐसी अफगानी वाली लूँ, ट्राई करूँ, और मैं करूँगी धीरे धीरे। बट अभी तक जितना मैं अपने आप को जानती हूँ कि मैं बहुत बड़ी फैन नहीं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की। मुझे छोटी छोटी साइज की जो ज्वेलरीज होती है ना ऑक्सीडाइज में डेली वेयर की, वो मुझे ज्यादा पसंद आती है। एंड इसीलिए मेरे पास बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी नहीं है, हालांकि मेरे पास काफी सारी ज्वेलरीज है, बट ऑक्सीडाइज का कलेक्शन थोड़ा कम है। तो चलिए अब बता देती हूँ मैं आपको कि मैंने कौन कौन सी ज्वेलरी कहाँ कहाँ से खरीदी है। सो इस ज्वेलरी में जो सबसे पुरानी ज्वेलरी है ना मेरी, मैं आपको वो दिखाती हूँ, और इसके साथ भी ना एक स्टोरी है। लाइक लेट मी शो यू, हर ज्वेलरी के साथ एक स्टोरी होती है, मेरी यादें जुड़ी होती है। सो सबसे पहले तो है ये ओवर साइज के, यू नो, थोड़े ऐसे क्या बोलते हैं, राउंड काइंड ऑफ इयररिंग। और ये मैंने लिए थे 2018 में, या आई एम प्रिटी श्योर, या तो मैंने 2018 में लिए या 2019 में लिए, तो मतलब आज से 3-4 साल पहले। तो 2019 या 2018 में लिए थे, और मैंने इन्हें बहुत पहना, लाइक पूरे साल मैंने बहुत पहना, छठ पूजा में भी पहना था। हाँ, तो क्या हुआ ना, मैंने इन्हें बहुत पहनती थी, तो उसके बाद मुझे ऐसे लगने लगा था कि यार मैं किसी को दे देती हूँ, मैं इतनी बार पहन चुकी हूँ। ये चीज़ जो है ना हमारे उसमें, वो ये बहुत खराब है कि मतलब हम एक चीज़ को बहुत बार जब पहन चुके होते हैं, या मतलब ऐसे फोटोज वगैरह खिंचा के फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं। आज की वीडियो थोड़ी अलग होगी गाइस, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। है तो मतलब ज़रूरी भी है, कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहती हूँ, मुझे बात करने का मन करता है तो मैं शेयर कर लेती हूँ। वैसे तो मैं अपने ब्लॉगिंग चैनल पर भी बात करती हूँ। हाँ, तो ये ज्वेलरी मैं सोचती थी कि किसी को दे दूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहन लिया, बहुत यूज़ कर लिया, बट पता नहीं मैंने क्यों नहीं दिया। एंड उसके बाद मैंने इसको इतना, मतलब बाद में भी 1-2 साल के ब्रेक के बाद फिर मैं इसे दोबारा यूज़ करने लगी बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसे लगा कि यार अगर मैं किसी को दे देती तो मतलब कितना वो रहता ना। तो आप भी चीज़ों को थोड़ा सेव करके रखा करिए, क्या पता वो आपके बाद में काम आ जाए। और ये मुझे 80 रुपीज़ या 100 रुपीज़ की मिली थी, मैंने सेक्टर 19 या 22 से ही ली थी, और बहुत मतलब सुंदर लगती है ज्वेलरी। ये जो वर्क है इसको ऑक्सीडाइज में कंसीडर किया जाता है या नहीं, पर मुझे ये ऑक्सीडाइज ही लगता है। ये थोड़ा ऐसे कॉपरिश काइंड ऑफ है, और ये छोटी छोटी सी झुमकियाँ जो है बहुत सुंदर लगती है मुझे। लाइक मुझे बहुत पसंद है छोटी झुमकी ऑक्सीडाइज में। सो मुझे ये छोटी छोटी सी झुमकियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये बहुत ही मतलब अफोर्डेबल भी होती है, इजीली आपको 50-100 रुपीज़ में मिल जाएंगी, और काफ़ी सुंदर लगती है, स्पेशली एथनिक वेयर के साथ। आप ना इन्हें जैसे टी शर्ट वगैरह के साथ भी पहन सकते हो, एक्चुअल में अच्छी लगती है, मैंने खुद पहनी हुई है ऐसी कैजुअल सी टी शर्ट पहन के, आप यू नो एवरी डे में जो पहनते हो। और ये छोटे से ही वो डाल लीजिए, थोड़ा सा काजल लगा लीजिए, लिपस्टिक लगा लीजिए, एंड यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल देन। तो ये जो है मतलब ये इयररिंग्स जो है मैंने पटना से लिए थे, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, या तो पटना से लिए या सेक्टर 22 से लिए चंडीगढ़। एंड इनके साथ भी काफ़ी स्टोरीज जुड़ी हुई है, तो अगर मैं स्टोरी बताने बैठूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो आप भी जो है ऐसे छोटी छोटी इयररिंग्स में, स्पेशली ऑक्सीडाइज वाले में, ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि अफोर्डेबल भी होते हैं और क्वालिटी भी अच्छी होती है, एंड यू कैन यूज़ देम सो मैनी टाइम्स एंड सो मैनी वे। सो या एंड ये हैं इयररिंग, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। लाइक अभी तो थोड़ा कम हो गया इनका ट्रेंड, पर एक दो साल पहले ही बहुत ज़्यादा चल रहे थे। सारे इन्फ्लुएंसर के पास ये होंगे, आई एम प्रिटी श्योर, इंस्टाग्राम पे कहीं भी आप देखो यही होते थे। तो ये भी मैंने ऑफलाइन खरीदे थे, और ज्वेलरीज मुझे ऐसा लगता है ना ऑनलाइन से ज़्यादा सस्ती ऑफलाइन मिल जाती है कुछ चीज़ों में, तो ये भी काफ़ी सही लगते हैं एकदम ऐसे स्टेटमेंट इयररिंग। आप इन्हें सूट के साथ, साड़ी के साथ, या कुछ स्पेशल ओकेजन पर भी पहन सकते हो, तो मुझे ये पर्सनली काफ़ी अच्छे लगते हैं एंड आई रियली लाइक देम। नेक्स्ट है, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेंडी रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, अभी भी हैं, आई डोंट नो। तो ये है ये मुसाफिर वाले इयररिंग, और ये मैंने हाल ही में खरीदे, बहुत ज़्यादा पहले के नहीं है, ये अभी 1-2 महीने पहले खरीदे हैं मैंने। यू कैन चेक द वीडियो ऑल्सो, शॉपसी से खरीदे थे मैंने, और बहुत बहुत सस्ते मिले थे। लाइक मैं सोच भी नहीं सकती इतने सस्ते थे, ऑनलाइन ऑफलाइन कभी कहीं भी इतने सस्ते नहीं मिलने वाले थे जितने ये मुझे शॉपसी पे मिल गए।
तो ये है ये मुसाफिर वाले इयरिंग थोड़े स्टड में, एंड ये काफी सुंदर लगते हैं, यू कैन सी है, और मतलब सही है, इनकी क्वालिटी वगैरह सही है। तो आप भी ऐसा एक यू नो ऐसे लाइक ले सकते हैं, ऐसा कुछ स्टेटमेंट टाइप जिसपे कुछ कोटेशन लिखा हो या कुछ मतलब कुछ लिखा हो, कुछ कैची सा होता है ना। तो या अगेन छोटी छोटी झुमकियाँ, और ये झुमकी भी मैंने लाइक ऑफलाइन ही खरीदी थी 22 से, और ये है वो छोटी छोटी सी झुमकी, और ये बहुत सुंदर लगती है, मतलब मुझे सही लगती है, इसमें वैसे बजने वाला नहीं है बट अच्छी लगती है, छन छन करती तो और भी ज़्यादा। और ये ना आप डेली वेयर में कुर्तीज वगैरह के साथ पहन सकते हो, या किसी भी यू नो पूजा है या कहीं किसी के घर जाना है, कोई ऐसा छोटा मोटा गेट टुगेदर है, तो उसमें मैं पहन लेती हूँ, और मतलब मेरा दिल करता है तो मैं डेली वेयर भी पहन लेती हूँ, बिकॉज ये बहुत इतनी सही है, मतलब इतने क्यूट से और छोटू से है कि आप पहन सकते हो, ऐसा ओवर नहीं लगेगा कि हाँ कुछ ज़्यादा ही ओवर ड्रेस्ड हो गया। सो क्या है ना, कुछ टाइम से मिरर वाली ज्वेलरी बहुत ट्रेंड में गए हैं, तो मुझे मैं एक चीज़ मेरा कि मतलब आप कह लो लाइफ हैक है या नहीं, मैं वीडियो में बता दूंगी किसी दिन, अभी बातें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो है ये मिरर वर्क में ज्वेलरी, और सामने आपको शायद मेरा फोन दिख जाए, तो ये ज्वेलरी है, और ये मतलब काफ़ी सही लगती है, लाइक एकदम अपने आप में एक यू नो ऐसे स्टेटमेंट पीस है, आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है ज्वेलरी में, अब सिंपल एक ये चोकर पहन लो ना, वो भी मोर देन इनफ है। तो मुझे ऑक्सीडाइज में एक नेकलेस चोकर चाहिए था, तो ये मुझे रैंडमली मैं कुछ और शॉपिंग करने गई थी और मुझे दिख गया, तो आई वाज लाइक कि चलो ले लेते हैं, हालांकि भैया ने पैसे कम नहीं किए थे पर ठीक है कोई बात नहीं। तो ये है वो मिरर में इयरिंग, एंड आई रियली मतलब मुझे ये चोकर काफ़ी सुंदर लगता है, और मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ। ये थोड़ा सा ना मुझे साइड में ना चुभता था स्टार्टिंग में, तो मैंने उसे एडजस्ट कर दिया था, अब नहीं चुभता है, बट स्टिल यू नो मुझे डाउट ही रहता है कि हाँ क्या है क्या नहीं। तो ये सही है, और इसमें आपको ऐसे ब्लैक कलर का ये लाइक काइंड ऑफ डोरी मिल जाएगा जिसे आप एडजस्ट कर सकते हो, बट ये मुझे बहुत पसंद है, लाइक बहुत बहुत पसंद है, मैं इसे बहुत पहनने वाली हूँ, लाइक इसे आप अभी तो वो नवरात्रि आएंगे ना उस टाइम भी आप पहन सकते हो, गरबा नाइट और उन सब में तो बहुत सुंदर लगती है ज्वेलरीज। और सेम इसके साथ ही इयररिंग भी मिले थे मुझे, जो कि कुछ ऐसे से हैं छोटे छोटे मिरर में, एंड ये बहुत सही है, आप इसे इंडिविजुअली भी बहुत यूज़ कर सकते हो, और मतलब मुझे सही लगते हैं, आप एवरीडे में जैसे कुर्तीज़ वगैरह के साथ या कुछ भी पहनो, अभी राखी रक्षाबंधन आ रहा है, ये वीडियो तो शायद रक्षाबंधन के बाद लाइव हो, तो उसमें भी आप पहन सकते हो, काफ़ी अच्छे लगने वाले हैं। एंड नेक्स्ट है एक इयररिंग, ये भी बहुत बहुत ट्रेंडी रहा है, अभी भी है काफ़ी ट्रेंड में, तो ये इयररिंग भी बहुत चला था, लाइक आप देख सकते हैं ऐसे बिग साइज का ओवर साइज का, और ये भी मैंने शॉपसी से मंगाया था एट अनबिलीवेबल प्राइस पे, मतलब बहुत सस्ता मिल गया था मुझे ये, एंड आप देख सकते हो मतलब कितना सही है ना यार, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है ये, और इतना बड़े बड़े से एकदम शरारा वगैरह के साथ पहनने में तो मुझे लगता है काफ़ी सुंदर लगेंगे। एंड ये मतलब आपको आपके पास एक होना चाहिए ऐसा, मतलब सही सा लगता है यार, यू कैन सी कि मतलब एक अलग ही फेस पे ग्लो आ जा रहा है, और इस पे ऐसे मोर मोर का डिज़ाइन है। इसकी मुझे जो चीज़ नहीं पसंद है, ये जो ये मुड़ता रहता है, ये बार बार ये ऐसे ऐसे मुड़ जाता है, तो जब आप मैं पहनती हूँ ना तो ये एक साइड हो जाता है, ये आगे मतलब कुछ हो जाता है गड़बड़, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। बट ये क्योंकि बहुत अफोर्डेबल था, लाइक बहुत अफोर्डेबल शॉपसी से मंगाया था मैंने, इसका भी वो जो है आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सही प्राइस में मिल गया था। और इसमें ऐसे आगे दो ये कुंदन से भी लगे हुए हैं, यू कैन सी यहाँ और यहाँ साइड में, तो मतलब सही लगता है ये, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, तो आप भी ऐसा कुछ अगर चाहें तो ले सकते हैं। बस गाइज इतनी ही ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है मेरे पास, इससे ज़्यादा नहीं है, और ज्वेलरीज है बट वो ऑक्सीडाइज नहीं है। तो हाँ, तो मेरे पास इतना ही कलेक्शन है, एंड मुझे ये सारा कलेक्शन बहुत पसंद है, आने वाले टाइम में मैं बहुत ज़्यादा इसमें अपडेट होने वाला है, बहुत कुछ ऐड होने वाला है, निकालूंगी तो मैं आई डोंट थिंक कि कुछ भी नहीं। एंड तो या सो इसी के साथ आज का वीडियो एंड होता है, आप चाहें तो इनमें से कुछ ज्वेलरीज से इंस्पायर होकर ऐसी ज्वेलरीज ले सकते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारी अच्छी ज्वेलरीज हैं, और शॉपसी का जो वो है चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, जिसमें आई थिंक हॉल एंड रिव्यू करके प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। सो अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब गाइस, प्लीज सब्सक्राइब। सो बाय बाय, टेक केयर।